तेलंगाना पर कांग्रेस की अहम बैठक जारी है। टिकटों पर सीईसी की मीटिंग हो रही है और आज ही दूसरी सूची तेलंगाना को लेकर कांग्रेस जारी कर सकती है। 119 में से 60 सीटों पर आज नाम तय होंगे, ये खबर आ रही है। अब तक 55 उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कांग्रेस कर चुकी है। तेलंगाना में कुल 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा, लेकिन आज अहम दिन है कांग्रेस के लिए, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आज घोषणा होनी है। 119 में से 60 55 सीटों पर पहले ही घोषणा कर चुकी है। इसके बाद लगभग सभी उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। तेलंगाना में कांग्रेस की उम्मीद यही है कि सत्ता में वापस लौटा जाए। सीधा मुकाबला बीआरएस से है वहां पर, और आज सीईसी की बैठक चल रही है और थोड़ी देर बाद ही कांग्रेस इसको लेकर अपनी सूची जारी कर सकती है। हालांकि ये कह सकते हैं, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहाँ पर एक के बाद एक कांग्रेस की तरफ से अपनी सीटें जारी कर दी हैं। मध्य प्रदेश में काफ़ी विरोध भी देखने को मिला था कांग्रेस को प्रत्याशियों की घोषणा के बाद, और आज ही खबर आई कि प्रत्याशियों के नाम, 4 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों के नाम जो हैं वो बदल दिए गए हैं। अभी सीईसी की बैठक चल रही है, इस बैठक में इस बात को लेकर भी काफ़ी मंथन हो सकता है कि जिस तरह का विरोध मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिला है, उस तरह की प्रतिक्रिया तेलंगाना में देखने को ना मिले, क्योंकि कोशिश यही है तेलंगाना में कांग्रेस की कि दोबारा से सत्ता में लौटा जाए। अभी वहां पर बीआरएस की सरकार है और राहुल गांधी लगातार वहां पर जमकर प्रचार कर रहे हैं। तो टिकटों पर सीईसी की ये अहम बैठक हो रही है, आज दूसरी सूची कांग्रेस जारी कर सकती है, थोड़ी देर बाद ही ये लिस्ट जारी होगी। 119 में से 7 सीटों पर आज नाम तय होंगे। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से, यानी जो पहली लिस्ट आई थी, उसमें 55 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई थी। तो सीईसी की बैठक का दौर जो है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान होना है। काफ़ी अहम है कांग्रेस के नज़रिए से, क्योंकि दक्षिण की सियासत की बात करें तो दक्षिण में हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस ने बड़ी प्रचंड जीत हासिल की थी और बीजेपी को मात दी थी। अब दक्षिण में अपने किले को और मजबूत करने के लिए अहम हो जाता है कि कांग्रेस तेलंगाना में एक बार फिर सत्ता में वापसी करे और जीत हासिल करे। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि टिकटों का आवंटन किस तरह से हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जब टिकटों की घोषणा की थी तो काफ़ी विरोध बगावत देखने को मिली थी, जिसके बाद कांग्रेस को अपने फैसले पलटने भी पड़े और आज ही फैसला पलटा है कांग्रेस ने। 4 प्रत्याशियों के नाम वहां पे बदले गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही जब ये बैठक खत्म होगी तो कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, जिसमें 60 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा यहाँ पर कर दी जाएगी। हर जगह कांग्रेस ने, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो कांग्रेस एक के बाद एक बहुत सोच समझ कर अपनी लिस्ट जारी कर रही है। चलिए इस खबर की और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन का। रमन, जरा बताएं, क्योंकि हमने देखा मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने कई लिस्ट जारी की थी, लेकिन आज ये खबर आई कि 4 प्रत्याशियों के नाम बदल दिए गए हैं। तो ये आज जब ये मंथन चल रहा है तेलंगाना को लेकर, तो इस बात पर ध्यान होगा कि कहीं ज्यादा विरोध ना देखना पड़े तेलंगाना में भी। बिल्कुल, करीब 2 घंटे से ये बैठक चल रही है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, और तस्वीरों में आपने देखा होगा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, के सी वेणुगोपाल से लेकर तमाम सीईसी के मेंबर इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और गेट के बाहर जो 24 अक्वा रोड का हाता है, उसके बाहर लगातार नारेबाजी हो रही है। उनके प्रत्याशियों के समर्थक नारेबाजी लगातार कर रहे हैं और अपने समर्थकों को टिकट देने की बात लगातार कर रहे हैं। इसी बीच में 4 उम्मीदवारों के नाम जो हैं तय हुए हैं, मध्य प्रदेश को लेकर जो पहले उम्मीदवार तय हुए थे उसके नाम बदल दिए गए हैं। साथ ही साथ ये माथापच्ची लगातार चल रही है कि किस तरीके से जिताऊ उम्मीदवार को मौका मिले, जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, और इसको लेकर अगर कोई गलती पिछली बैठक में हुई है उसे सुधारने का एक लगातार कोशिश पार्टी के द्वारा हो रहा है। तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 60 सीटों पर आज फैसला होने की उम्मीद है, और कहा जा रहा है कि आज ही देर रात लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि अभी तक तेलंगाना की कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि वीआरएस की सरकार बीजेपी की बी टीम है और उस सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार तेलंगाना में किस तरीके से कायम हो, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाए, इसको लेकर लगातार माथापच्ची चल रही है, लगातार कोशिशें चल रही है, और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, वो तेलंगाना से लेकर 5 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, लगातार उम्मीदवारों के नाम तय हो रहे हैं, और उसी सिलसिले में आज तेलंगाना के विधानसभा सीटों के नाम तय होने की उम्मीद है। ठीक है, शुक्रिया रमन तमाम जानकारी के लिए।